हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर। मैं हूँ देव। आज से हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। जैसा कि बहुत दिनों से आप लोग की क्यूरीज आ रही थी इससे रिलेटेड कि सर इकोनॉमिक्स जो भी है उसको स्टार्ट करें, तो चलिए हम लोग आज से इंडियन इकोनॉमिक्स जो उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये मैं पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स इसी तरीके से स्लाइड में आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बोर्ड में पढ़ाना कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें एक तरीके से टल जाती हैं, या फिर किसी रीज़न की वजह से मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाता, तो उस वजह से ये बार बार टल रहा होता है। तो मैंने आज से यही मुहिम स्टार्ट की कि आपको मैं कोशिश करूँ कि मैक्सिमम समझा सकूँ, और आपको इंडियन इकोनॉमिक्स जितनी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश मेरे से हो पाएगी मैं उतना करूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज से हम लोग मेनली वित्त प्रणाली या मेनली फाइनेंस सिस्टम, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो सेक्टर होते हैं उसके थर्ड सेक्टर में आता है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, उसके तहत ये मेनली वित्त प्रणाली यानी बैंकिंग सेक्टर अगर देखा जाए तो मेनली इसके तहत हमें पढ़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर का आजकल जो बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, या कहा जाए बैंकों के जो विलय हो रहे हैं अंदर, जैसे अभी SBI का कई सारे उसके जो 5 बैंक थे और साथ ही साथ महिला बैंक का उसके उसमें विलय हो गया, और जैसे बार बार CRR, SLR या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपको बार बार न्यूज़ में मिलती होंगी कि ये किया गया, वो किया गया, और गवर्नर्स के द्वारा ये किया गया। साथ ही साथ लेटेस्ट में जो 2 साल पहले एक बदलाव लाया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। पहले मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का कहीं ना कहीं जिम्मा RBI के अंदर रहता था, बट अब कमेटी बना दी गई, वो लोग मिलकर अब मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ही ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में विकासात्मक कार्य के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसकी तरफ झुकाव हो चुका है। तो हमें लगता है कि सबसे पहले कहीं ना कहीं यही चैप्टर को स्टार्ट करके और बेटर तरीके से इस चैप्टर में काम करके हम बेटर तरीके से इसको स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आज हमें फाइनेंस में मेनली पढ़ना क्या है। मैं इसमें आज आपको पूरे बैंक, कितने टाइप के बैंक होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ वित्त प्रणाली होती क्या है सर्वप्रथम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहली स्लाइड पे देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी नोट्स का प्रिंट आउट एक तरीके से मैंने उसको पूरी तरीके से आपके सामने स्क्रीन में है। तो चलिए देख लेते हैं कि वित्त प्रणाली कहते किसे हैं। तो पूंजी निर्माण की समस्त प्रक्रिया में वित्त प्रणाली की केंद्रीय भूमिका है। वित्त संस्थाओं के को मध्यस्थ संस्थाएं भी कहते हैं, क्योंकि वे आए लोगों से बचत संग्रह करके उत्पादन संस्थाओं की को ऋण देने का काम करती है मेनली। तो इनका ये मेनली वित्त संस्थाएं क्या करती हैं, बीज का काम करती हैं, क्योंकि जो लोगों के पास सेविंग्स होती हैं उनको वहां से उठाकर जहां पे पैसे की जरूरत होती है वहां पे पैसे पहुंचाती हैं, और जहां पे पैसे एक्स्ट्रा होते हैं वहां से पैसे उठाकर जहां पैसे की जरूरत होती है। मेनली वित्त संस्थाएं इसीलिए बनती ही हैं जिससे कहीं ना कहीं मैक्सिमम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचा सके, जिससे डेवलपमेंट चलता रहे और हमारे भारत की या देश की पर्टिकुलर समृद्धि और डेवलपमेंट होती रहे। तो इस तरीके से वित्त संस्थाएं काम करती हैं। मेनली वित्त संस्था का एक बाज़ार होता है, एक मार्केट होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि वित्त बाज़ार के तहत कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मुद्रा बाज़ार या पूंजी बाज़ार। पहले यहाँ पे ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मुद्रा बाज़ार वाकई कहते किसे हैं या पूंजी बाजार किसे कहते हैं। तो मुद्रा बाजार के तहत वो सारी चीज़ें आती हैं जो 1 साल से कम के लिए, निवेश की बात या की जाए या विनिमय की बात की जाए, तो जिस विनिमय की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष की होती है, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि 1 वर्ष से कम की जिस परिपक्वता अवधि होती है, या 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि जिस विनिमय की होती है, रेगुलेशन की या लेन देन की जो अवधि होती है, उससे वो मुद्रा बाजार के तहत आता है। पूंजी बाजार के तहत एक लंबे समय तक के लिए, यानी जैसे हमें मान लीजिए किसी पुल पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो पुल पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि उसमें लगने पैसा भी काफ़ी लगता है और ब्रिज बनाने में पैसा के साथ साथ वो एक लंबी प्रक्रिया, उसका आउटपुट एक लंबे समय के पश्चात कहीं ना कहीं हमें मिलता है, तो पूंजी बाजार होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री में पूंजी बाजार की आवश्यकता है और कौन सी कंट्री में मुद्रा बाजार की आवश्यकता है। तो आपको पता होगा कि विकासशील और विकसित दो टाइप की कंट्रियाँ होती हैं, एक अल्प विकसित होती है। तो विकसित और विकासशील की बात की जाए तो विकसित कंट्रियां वो कंट्रियां होती हैं जहां पे सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा रोल होता है, और विकसित कंट्रियां वो होती हैं, अल्प विकसित या विकासशील कंट्रियां वो होती हैं जहां पे कृषि का रोल सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अंतर समझने लायक है। मैं हालांकि पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था, या बात करें
जितनी भी टाइप की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सारी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम जरूर डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ये ज़रूरी हो जाती हैं कि अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ सेक्टर के बारे में समझ लें। मैं ज़रूर लास्टली आपको वो सारी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ाऊंगा, चाहे विकासशील अर्थव्यवस्था हो, विकसित अर्थव्यवस्था हो, क्या सारी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार आई होप आपको समझ में आया होगा। बट मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि मुद्रा बाजार किस कंट्री को आवश्यकता होती है, तो विकसित कंट्रियां वो कंट्रियां होती है जहां पे हर चीज का डेवलपमेंट हो चुका है, सिर्फ वहां उत्पादन में बढ़ाना होता है, यानी छोटे समय के लिए उन्हें पैसा चाहिए रहता है कि हाँ थोड़ा सा उत्पादन और इंक्रीज करना है, 10% से 15% करना है, तो वहां पे थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो वो लोग मुद्रा बाजार की तरफ, यानी 1 साल से कम अवधि के लिए पैसा, लोन वगैरह वहां पे चलता है, इसलिए वहां पे ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। हमारे विकासशील जो देश है जैसे भारत है, वहां पे अभी डेवलपमेंट करना बहुत बाकी है, हर जगह सड़कें नहीं है, हर जगह पुल नहीं है, बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती है, तो वहां पे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमारे यहाँ मेनली पूंजी बाजार का काम होता है। तो ये मैंने दोनों में डिफरेंस समझाने की कोशिश की, बट यहाँ पे अभी कुछ चीजें समझना जरूरी है कि मुद्रा बाजार के तहत क्या क्या चीजें आती हैं और पूंजी बाजार के तहत क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर औपचारिक या संगठित क्षेत्र में बात की जाए मुद्रा बाजार के तहत क्या क्या आएंगी, तो मेनली वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, कॉल मुद्रा बाजार या रेपो रेट, MCLR, MMFF, इस तरीके की चीज़ें ये हमारी मुद्रा बाजार में देखने को मिलती हैं। और पूंजी बाजार की बात कीजिए, ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री को मुद्रा बाजार, हमारे कंट्री में नहीं, हमारे भी कंट्री में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनको 1 साल के लिए, या बात की जाए कुछ बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो 3 महीने के लिए लोग लेते हैं, अपना इंडस्ट्री खड़ा करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं बात ये कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा, मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पूंजी बाजार के लिए ज्यादा जगह है, ना कि मुद्रा बाजार के लिए। मुद्रा बाजार ऑब्वियस है कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ भी बैंकिंग सेक्टर के तहत ज्यादातर होती हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ही एक तरीके से मुद्रा बाजार को देखता है, पूंजी बाजार बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल देखती हैं जिन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का एक पार्ट होता है बैंक। आप ये बात को समझें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो होती हैं जो कि कहीं सेविंग के काम में नहीं आती, जैसे कि वो ना ही अकाउंट खोलेंगी, ना ही आपका कोई वो करेंगे, तो वो बड़े बड़े जगहों से पैसा लाके उन क्षेत्रों को बांटती हैं। जैसे अगर मैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो जैसे आपने एग्जिम बैंक का नाम सुना होगा, ही इज नॉट अ बैंक कि आप वहां पे अकाउंट जाके खुला लें, ना नाबार्ड में, आपके नाबार्ड भी एक तरीके का है। जैसे हाउसिंग बैंक की बात की जाए, नेशनल हाउसिंग बैंक या सिडबी, ये सब बैंक नाम तो इनके आगे बैंक लिखा हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये उस तरीके के बैंक हैं जो वित्तीय काम के लिए लगे हुए हैं। मतलब कि आप समझें इस बात को, कि वित्तीय काम के लिए लगने का मतलब ये हो गया कि वो बड़े बड़े पैसे लोगों से इकट्ठा करते हैं, और बड़े बड़े जगहों पर लंबे समय के लिए जो पैसा देना होता है, बड़ा अमाउंट देना होता है, वो उसमें काम करते हैं। बट हमारी जो वाणिज्यिक बैंक की अगर बात की जाए, तो वो छोटे छोटे लोन देते हैं, कम समय के लिए लोन देते हैं, तो इस तरीके के होते हैं। बट इसके बाद जैसे अनौपचारिक क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में हमारे सेस्टी, चेस्टी या महाजन, इस तरीके के लोग आ जाते हैं। तो चलिए बाजार होता क्या है कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जो कि सिर्फ शब्द हैं, समझना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा हुआ है। तो बाजार एक ऐसा परिवेश जहाँ किसी संसाधन का क्रय विक्रय होता है। आप समझ रहे होंगे, जैसे हमने क्या, एक फैन है, फैन को हमने एक पर्टिकुलर मार्केट में बेचा और उसे किसी ने खरीदा, तो इस तरीके से एक ऐसा परिवेश, तो वित्त का भी एक ऐसा परिवेश होता है। जैसे बैंक्स बात कर लीजिए, तो वो भी तो एक तरीके का मार्केट है जहाँ पे, या शेयर मार्केट की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे भी तो लोग पैसे, मतलब एक तरीके से कुछ खरीदते हैं या कुछ सेव करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसे मार्केट कहते हैं। तो ऐसा परिवेश जहाँ किसी संसाधन का क्रय विक्रय होता है बाजार कहलाता है। बाजार मेनली दो टाइप के होते हैं, एक दिखता जो है मूर्त बाजार या भौतिक बाजार, या अमूर्त बाजार या आभासी बाजार, दो टाइप के मेनली यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा हुआ है, तो आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो मेनली बात कर लेते हैं कि जिन संसाधनों का बाजार में विनिमय होता है उनकी प्रवृत्ति के आधार पर भी बाजार दो टाइप के होते हैं, यानी जो चीजें हम खरीद फरोख करते हैं उसकी अगर प्रकृति को नोटिस करें तो भी बाजार दो टाइप के होते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ते हुए भी चले, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हुआ चल रहा हूँ। तो कारक बाजार या साधन बाजार, जैसे जिस बाजार में भूमि, श्रम, पूंजी आदि का विनिमय होता है वो कारक बाजार कहलाते हैं या साधन बाजार कहलाते हैं। तो कारक बाजार या फैक्चर मार्केट की अगर बात की जाए, तो जैसे भूमि का क्रय विक्रय करना, श्रम का क्रय विक्रय करना, या पूंजी का क्रय विक्रय करना, या पूंजी बाजार,
तो भूमि का क्रय विक्रय जैसे रियल इस्टेट मार्केट हो जाता है, जहाँ पे भूमि तथा भूमि भवनों वगैरह का जैसे क्रय विक्रय वगैरह होता है, या श्रम बाजार, जिन परिवेश में श्रमिक अपनी सेवाओं का क्रय विक्रय करे वो श्रम बाजार हो जाता है, और पूंजी बाजार आप जानते हैं कि वित्तीय और बौद्धिक पूंजी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके तहत आ जाती है, और पण्य बाजार कमोडिटी मार्केट, जिस परिवेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय हो, ना कि कारक सेवाओं का, यानी वहाँ पे ना ही श्रम विक्रय हो ना ही पूंजी हो, यानी जो ऐसी वस्तुएं या सेवाएं, मतलब उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को क्रय विक्रय हो। सेवाओं का मतलब जैसे हॉस्पिटलिटी, या मतलब हॉस्पिटल की बात की जाए, या एजुकेशन की बात की जाए, या आईटी सेक्टर की बात की जाए, किसी तरीके का सेवा, या रेस्तरा की बात की जाए, तो इस तरीके का जो मार्केट होता है, तो उत्पादित वस्तुएं जैसे कोई भी चीज़ उत्पादित होती है, या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात कर ली जाए, तो इस तरीके की वस्तुएं सब क्रय विक्रय के तहत आती हैं, तो शिक्षा वगैरह जो भी है। और फिर आगे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे वास्तविक संपदा बाजार और सारी चीज़ें हो गई, श्रम बाजार, पूंजी बाजार भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या सारी चीज़ें होती हैं, और आगे पण्य बाजार के बारे में भी हमने देख लिया, कमोडिटी, जिस परिवेश में उत्पादित सेवाओं और क्रय विक्रय हो। तो अब चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंस मार्केट, जिसके बारे में मेनली यहाँ पे हम चीज़ें हमने स्टार्ट की है। तो वित्त बाजार, जिस परिवेश में वित्तीय पूंजी का क्रय विक्रय होता है उसे वित्त बाजार कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, पूंजी का क्रय विक्रय हो, जैसे मुद्रा की उत्पादन शक्ति को वित्त कहते हैं, मुद्रा की उत्पादन शक्ति को वित्त कहते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए मुद्रा के उपयोग अधिकार को वित्त कहा जाता है, ठीक है। उधार के रूप में मुद्रा के लेन देन को वित्त का क्रय विक्रय अर्थात वित्तीय विनिमय कहते हैं, ठीक है। तो वित्तीय विनिमय आपको समझ में आ रहा होगा कि मुद्रा का क्रय विक्रय करना ही वित्तीय विनिमय होता है, फाइनेंस रेगुलेशन होता है इस तरीके का विनिमय, ठीक है। तो वित्तीय विनिमय की अवधि के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया कि दो टाइप से होते हैं, मुद्रा बाजार विनिमय और पूंजी बाजार विनिमय, तो 1 साल से कम अवधि के लिए जिस विनिमय की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होती है उसे मुद्रा बाजार विनिमय कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात अभी कर ली थी जस्ट स्टार्ट होते वक्त, तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। पूंजी बाजार विनिमय, जिस वित्तीय विनिमय की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है उसे पूंजी बाजार विनिमय कहते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें, कुछ चीज़ें समझना यहाँ पे ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि क्लास को जस्ट मैं अचानक आपको इंस्टीट्यूट या बैंक के बारे में बताना शुरू कर दूँ वो मच बेटर नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा माहौल को, मतलब वैसा कि हाँ ठीक है, एक बेटर तरीके से, हाँ ये फाइनेंस होता है ये तरीके से, आप, मुझे मालूम है कि ये सारी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट को जनरली पता होती, बट उन्हें लिखना भी कभी कभी पड़ता है, क्योंकि हमारे सारे पेपर्स जो कि मेंस में, जो कि रिटेन में होते हैं, लिखना पड़ता है उन्हें, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाती हैं। और आई होप आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा बाद में रिविजन करने के लिए। तो मुद्रा बाजार में उपलब्ध ऋण के कारण उत्पादन क्षेत्र में अल्पकालिक महत्व के का निवेश बढ़ता है, जिससे वर्तमान उत्पादन क्षमता के दोहन में सुधार होता है और उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, तो आईसीओआर का मूल्य कम हो जाता है। आईसीओआर मेनली उसे बोलते हैं, जैसे आईसीओआर की अगर बात की जाए तो आईसीओआर आउटपुट और इनपुट का होता है, जैसे कि हमने अगर आईसीओआर का जो मेनली वो उसको एक तरीके से, जैसे हमने कोई चीज़ इन्वेस्ट की, आईसीओआर मेनली क्या होता है कि अतिरिक्त पूंजी जो लगाई अपॉन अतिरिक्त उत्पादन जो हुआ उससे आईसीओआर निकलता है, तो जिसका आईसीओआर जितना बेटर होता है वो उतना बेटर माना जाता है, यानी आईसीओआर निम्नतम मूल निवेश की उच्चतर कुशलता को सूचक करता है। किस तरीके से, मान लीजिए मैंने 2,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगाई और उसका उत्पादन, मतलब अतिरिक्त उत्पादन हमें क्या हुआ, सिर्फ 1,500 रुपये का हो पाया, तो आप खुद ही निकाल सकते हैं 2,000 बटा 1,500 कहीं ना कहीं 1.3 के आसपास आएगा, बट वहीं अगर हमने 1,000 रुपये लगाया, मैं बात कर रहा हूँ ना कि आईसीओआर मेनली कहा जाता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, हालांकि आईसीओआर मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला था, बट यहाँ पे एक शब्द आ गया तो यहाँ पे एक्सप्लेन मैं कर देना चाहता हूँ। तो इसको बोलते हैं अतिरिक्त पूंजी अपॉन अतिरिक्त उत्पादन, ठीक है। तो अतिरिक्त पूंजी मान लीजिए हमने लगाया 1,000 रुपये और उससे हमें कहीं ना कहीं उत्पादन 1,500 रुपये का हुआ, तो मेनली आईसीओआर उन कंपनियों का बेटर होगा जो पहले से स्थापित हैं और बेटर चल रही हैं, उन पे थोड़ा सा पैसा लगाने पे कहीं ना कहीं ज़्यादा आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो आईसीओआर जितना कम होगा वो निवेश की उतनी अच्छी प्रवृत्ति मानी जाती, उतना अच्छा उस पे निवेश आउटपुट ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके से बहुत फेमस कंपनियां हैं जिसका आईसीओआर बहुत बेटर होता है। मेनली हमारे भारत में सबसे बुरा आईसीओआर की अगर बात की जाए तो वो
बहुत ही बुरा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, वहाँ पे बहुत ही कम। कृषि क्षेत्र का ICOR आदमी हर कोई लगा ज़्यादा रहा होता है, बट उससे उत्पादन बहुत कम हो रहा है। संचार क्षेत्र का ICOR इस वक्त सबसे बेस्ट है, इसीलिए संचार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे आइडिया कंपनी हो गई या हमारी रिलायंस कंपनी, इस तरीके की जो संचार कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट हो रहा है और लोगों का भरोसा भी उस पर बन रहा है। तो ICOR की बात आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो पूंजी बाजार में उपलब्ध ऋण के कारण उत्पादन क्षेत्र में दीर्घकालिक अवधि या महत्व का निवेश बढ़ता है, जिससे वर्तमान उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है, रोजगार में अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होते हैं और भविष्य में उत्पादन की मात्रा टिकाऊ रूप से होती है। क्योंकि हमें मेंस लिखना है तो किस तरीके से लिखना होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। अल्प विकसित देश में क्षमता विस्तार की अधिक प्रासंगिकता होती है, इसलिए पूंजी बाजार की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अल्प विकसित क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करनी है, बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट करना है, तो अल्प विकसित क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं ये पूंजी बाजार ज़्यादा बेटर होता है, ना कि मुद्रा बाजार। जहाँ क्षमता विस्तार का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जैसे विकसित देशों में, वहाँ पूंजी बाजार की प्रासंगिकता कम होती है, तुलनात्मक रूप से मुद्रा बाजार अधिक आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ थी हमारा पूरा का पूरा वित्त बाजार में किस तरीके की दो टाइप से हमने देखा कि बांट लिया हमने वित्त बाजार को, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। अब देख लेते हैं GDS की संरचना, जो सेविंग्स होती है, सकल घरेलू बचत, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग की संरचना मेनली बचत कहाँ से होती है। क्योंकि अगर पैसा नहीं बचेगा तो उन क्षेत्रों को पैसा कैसे मिलेगा जहाँ पे आवश्यकता है। तो हमारी ये नीति बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हम पैसा जिनके पास है उनको वहाँ से पैसा उठाकर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डेवलपमेंट कार्य में हम सारे पैसे लगाएं। तो दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक इन्वेस्ट करना और एक सेविंग को बचाना, यानी सेविंग को हर जगह से लेकर आना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो निजी बचत और एक सार्वजनिक बचत, दो टाइप की बचत हम मेनली बांट कर रखते हैं। तो घर से जो मेनली फैमिलीज से जो बचत होती है उसे गृहस्थ बचत, या निजी निगम जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनसे बचाया हुआ पैसा, और सार्वजनिक क्षेत्र आप जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के जो कंपनीज होते हैं वहाँ से, और सरकारी बचत जो होता है। तो इस तरीके से इस तरीके के बचत को टोटल यही बचत होता है जो GDS यानी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, गृहस्थ बचत मेनली कहते किसे हैं। या तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और कुछ इम्पोर्टेंट लिख रखा है कि उत्पादन कार्य के लिए वित्तीय संसाधन या गैर वित्तीय संसाधन के व्यय को निवेश कहते हैं। ओके, निवेश आप समझ रहे होंगे कि उत्पादन कार्य के लिए वित्तीय संसाधन या गैर वित्तीय संसाधन, तो उत्पादन जिससे हो सके, चाहे पैसा निवेश करना पड़े या पैसा के अलावा भी जो भी निवेश करना पड़े उसको निवेश कहते हैं। ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं के क्रय पर किए गए व्यय को उपभोग कहते हैं, और उत्पादन संस्था में निवेशित धनराशि को वापस हासिल करने के लिए संसाधन के विक्रय को या शेयर प्रमाण पत्र के विक्रय को विनिवेश कहते हैं। तो ये शब्द हैं, एक्चुअली शब्द को लेकर कुछ चीज़ें बहुत सारे एस्पिरेंट के बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहता है, तो उस वजह से ये शब्द को भी जान लेना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे विनिवेश ज़्यादातर लड़कों को बहुत सारा या एस्पिरेंट को कन्फ्यूज़न करता है कि विनिवेश होता क्या है। तो उत्पादन संस्था में निवेशित धनराशि को वापिस हासिल करने के लिए, आप समझ रहे होंगे कि मान लीजिए हमने इंडस्ट्री में कोई पैसा और निवेश किया, ठीक है, उसके पश्चात हम चाहते हैं कि उसका आउटपुट हमें मिले। निवेश हासिल करने के लिए संसाधन के विक्रय को या शेयर प्रमाण पत्र के विक्रय को विनिवेश कहते हैं। हम समझ रहे होंगे कि जैसे इंडस्ट्री हमने खोल रखी है कोई, उसके संसाधन अगर हम बेच रहे हैं या हम पैसा वापस चाहने के लिए कि और हम निवेश कर सकें जिससे, तो उससे इकट्ठा करेंगे किस चीज़ से, या तो हम अपने शेयर बेचेंगे, या तो बॉन्ड अपना बेचेंगे, या तो उत्पादन क्षेत्र में जो लगी हुई एक तरीके से संसाधन है उसको बेचकर हम पैसा जो इकट्ठा करते हैं उस विक्रय को विनिवेश कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें विनिवेश समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है। कई जगह विनिवेश को लेकर सारी चीज़ें रहती हैं। उसके पश्चात ये बजट बचत वगैरह हो गई। तो अब बात कर लेते हैं कि संगठित और असंगठित जो वित्त बाजार होता है उसे कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे संगठित वित्त बाजार या संगठित वित्त बाजार लिख कर आ जाता है और स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि है क्या आखिरकार। बट तो यहाँ पे जान लेते हैं कि संगठित या औपचारिक वित्त बाजार या संगठित और अनौपचारिक वित्त बाजार कहते किसके हैं। तो वित्त बाजार का वह हिस्सा, ध्यान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह पे मेंस में या PT में देखने को मिल जाता है, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र वाकई है क्या।
तो संगठित क्षेत्र वो है कि वित्त बाजार का वह हिस्सा या भाग जहां सरकारी कानूनों के अनुरूप स्थापित मानकों, प्रक्रियाओं या प्रारूपों के अनुसार वित्तीय विनिमय का कार्य किया जाता है, औपचारिक वित्त बाजार कहलाता है। आप यहाँ पे समझिए ये चीज़ की, मान लीजिए कि कोई भी संस्था या व्यक्ति किसी मानक या प्रक्रिया या किसी प्रारूप के अनुसार अपना सारा कार्य कर रहा हो, तो एक तरीके से देखने पे वो एक संगठित नजर आते हैं, तो इसलिए वो संगठित बाजार कहलाते हैं। अगर वित्त के संगठन की बात की जाए तो जैसे हर वित्तीय बाजार आरबीआई एक्ट 1934 या बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 एंड कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के अंतर्गत ये सारे लोग रेगुलेट होते हैं, इनके प्रारूप के तहत वो सारे लोग काम करते हैं, इसलिए संगठित क्षेत्र के वित्त बाजार कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, अब बात कर लीजिए अनौपचारिक या असंगठित वित्त बाजार। तो जैसे बहुत लंबे समय से साहूकार हो गए, सेष्टी हो गए, चेष्टी इस तरीके के लोग, महाजन हो गए जो बहुत लंबे समय से किसानों को हो गया या जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती थी वो इन सारी चीज़ों को लेकर काम करते थे। तो एक परस्पर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो परंपराओं को लेकर, यानी बहुत पुराने समय से जो सारी चीज़ें सामने आती थी, तो उन परंपराओं को अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो वो लोग अभी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं हैं जो कि बैंक तक पहुंच पा रहे हैं, वो भी अभी साहूकार या इन सारी चीज़ों के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी घाटा हो जाता है, क्योंकि साहूकार कहीं 20% पे दे रहा है या 40% पे दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही ज़्यादा घाटे का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत को वित्तीय समावेशन की बहुत आवश्यकता है कि हर जगह बैंकिंग हो, हर जगह संगठित बाजार हो, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जनधन योजना जो शुरू की गई है उसका मेन मोटो क्या है, तो जनधन योजना का मेन मोटो है वित्तीय समावेशन। ठीक है, तो इस तरीके से समावेशन बहुत ज़रूरी। तो देख लेते हैं कि अनौपचारिक असंगठित वित्त बाजार क्या है। ऐतिहासिक रूप से परंपराओं के माध्यम से विकसित मान्यताओं, मानकों, प्रारूपों के अनुसार वित्तीय विनिमय करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को अनौपचारिक वित्त बाजार कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि जो पहले से चली आ रही है अवधारणा है कि नहीं, वही महाजन, वही जो वहाँ के जमींदार लोग, वही लोग अपना पैसा किसानों को ऋण में देंगे या जिनको ज़रूरत पड़ेगी अपना दुकान खोलने के लिए या कुछ भी बिजनेस करने के लिए, वो लोग एक चेष्टी साहूकार लोग बैठे होते हैं जो उधार देते हैं और एक बड़े ब्याज पे। तो अगर देखा जाए तो कोई कर्नाटक में बैठा अगर कोई व्यक्ति है वो साहूकार से उधार लेता तो पता चलता है वो 20% पे दे रहा है, और वहीं यूपी का कोई साहूकार वो 30% पे दे रहा है। तो इन पे कहीं एक रूपता नहीं नज़र आ रही है। तो एक रूपता ना नज़र आने से ये हमें असंगठित दिखाई देते हैं, ये कहीं ग्रुप में नहीं दिखते हैं, तो इसलिए ये असंगठित बाजार कहलाता है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ समझ पा रहे होंगे कि क्या चीज़ है। चूंकि देश में अलग अलग अंचलों में अलग अलग प्रकार की वित्तीय परंपराएं विकसित हुई हैं और औपचारिक वित्तीय कार्यकर्ताओं के आचरण में, अनौपचारिक जो कार्यकर्ता हैं और आचरण में उनके कहीं ना कहीं एक रूपता नहीं नजर आती है, बल्कि आंचलिक रूप से या अखंडित रूप से आचरण होता है, इसलिए इन्हें असंगठित वित्त बाजार कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो वित्त बाजार का जो पूरा ढांचा था वो सारी चीज़ समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे इसके जो वाणिज्यिक बैंक के बारे में है या बैंक कितने तरीके के होते हैं, वाणिज्यिक बैंक को कौन लाइसेंस देता है, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक के तहत अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, देसी बैंक यानी, और अनुसूचित बैंक के तहत देसी बैंक, विदेशी बैंक, देसी बैंक के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, और सार्वजनिक क्षेत्र के तहत बैंक गैर राष्ट्रीयकृत और राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं, और वहीं निजी क्षेत्र के बैंक पुरानी पीढ़ी के बैंक और नई पीढ़ी के बैंक। तो इतने टाइप के टोटल बैंक होते हैं। ये इनका मेनली क्या काम है, किस तरीके से ये बैंक कहलाते हैं, इन्हें क्यों राष्ट्रीयकृत कहा जाता है, कौन से नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, एसबीआई के तहत क्या क्या विलय हुआ, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे मुझे एक कंटिन्यूटी मिलती है आपके लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही कहीं ना कहीं मुझे पता चलता है कि आपको क्या ज़रूरत है या क्या डाउट आ रहा है या वीडियो आपको कैसा लगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और एक कंटिन्यूटी बरकरार करने में बहुत बेटर लगता है। और आप शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें, तो जिससे कहीं ना कहीं व्यूज़ और वो सारी चीज़ें से हमें लगता है कि हाँ, एक बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक करने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन जो है उसे सब्सक्राइब बटन को दबा दें, उससे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन इसलिए दबाना होता है जिससे कहीं ना कहीं जो भी वीडियोस हम डालें वो आपको अपडेशन मिलती रहे। तो
इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें बैंकों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।